जी न पाइब अगर साथ छूट जाई हो, यह विचार है। मैंने कल जब क्लास चल रहा था तो हम यही देख रहे थे, आप लोग को लग रहा था कि वीडियो है प्राइमरी मोड में चल रहा है, इसका क्या मतलब है कि कमेंट नहीं देख रहे हैं? सर सबका कमेंट देख रहे थे हम। हाँ, आप यदि पढ़ने आते हैं तो पढ़िए, और यदि आपके बातों का कोई रिप्लाई नहीं दे रही है या नहीं दे रहा है, ठीक है, तो उसका जवाब इसे नहीं है कि जी ना पाइब अगर साथ छूट जाइब, नहीं जी पाएगा। उसको इस कदर मजबूर कर दीजिए कि वो आपके पीछे भागे, आपको उसके पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन आप लोगों का ट्रेंड दूसरा है, जी ना पाइब अगर साथ छूट जाइयो, माने तुम्हारे बिना हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है। वह है ज़िंदगी, है ऑक्सीजन है कि खाना है कि पानी है, का है, कुछ नहीं है, ठीक है। ये एकदम मन की भ्रांतियाँ हैं, इसलिए ये सब बातें को छोड़िए और यहाँ आइए। एक दिन वैसा बन के दिखाओ, वैसा बन जाओ कि वो तुम्हारे पीछे दौड़ के आए, हाँ, और उस समय तुम भाव खाओ, ठीक है। यहाँ जी ना पाइब नस काट देंगे, नस काट लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और पगलेट कहेंगे पगला है, हैं तुम लोग के चक्कर में इंट्रोडक्शन देना भूल गए। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट, और जो आप लोग का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज चल रहा है, इसका ये पांचवा वीडियो होने वाला है। इससे पहले इसका 4 सेट हो चुका है, ये पांचवा सेट है। और कल कुछ बच्चे का ये भी कमेंट था कि सर थोड़ा सा स्पीड पढ़ाइए। हाँ ठीक है, अब मान लीजिए कि खूबे स्पीड हम चलेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, तो फिर वो स्पीड भी किस काम का नहीं है। अब 40 मिनट में यदि 20 क्वेश्चन हो रहा है तो ये कम स्पीड नहीं है, जबकि हम काफ़ी समझाकर आपको लेके चल रहे हैं, ठीक है। उस 20 मिनट में ही 20 क्वेश्चन को हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं जब आपको समझ में नहीं आए, ठीक है। तो आज का जो सेट होने वाला है वो है आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से हमने 20 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है और वही 20 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। इससे क्या होगा कि जस्ट जो पहले आपका एग्जाम हुआ है, अभी अभी पिछले साल जो एग्जाम हुआ है, उसमें किस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा, नहीं अंदाजा लग जाएगा, आप आसानी से क्वेश्चन के टाइप को समझ लीजिएगा। और आपको खूब भारी भारी नहीं पढ़ना है, हम बार बार यही समझा रहे हैं कि इससे पहले जो आपने 10 महीने पढ़ाई किया वह आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ रहे थे, ठीक है, आप अपने ज्ञान के लिए पढ़ रहे थे। लेकिन अब जो आपको 2 महीना पढ़ना है, इस 2 महीने में आपको सिर्फ और सिर्फ बेहतर एग्जाम रिजल्ट के लिए सिर्फ पढ़ना है। आप ये पढ़ें जिससे कि आपका एग्जाम में बेहतर रिजल्ट हो, समझ में आ रहा है। अब आपको ज्ञान के लिए नहीं पढ़ना है, अब आपको पढ़ना है एग्जाम में बेहतर रिजल्ट पाने के लिए, ठीक है बाबू। इसलिए एक एक करके क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप पहले बनाने का प्रयास कीजिएगा। और क्वेश्चन बनाने से पहले हम आपको कह रहे हैं कि बैठने से पहले कॉपी कलम ले लीजिए, ले आओ रे, उठो जाओ, लेके आओ, बैठले है, इंतजार कर रहा है कि कोई आने वाला है चैट पर, हेलो से शुरू करेंगे, हाय व्हाट इज योर नेम, प्लीज गिव योर नंबर, नंबर लेवे नंबर है, हाँ ये सब बंद कर दीजिए, पढ़ाई कीजिए ना, हो पढ़ने ना आए हैं, देखिए ना कितना मजा आएगा है। चलिए देखिए, सबसे पहला सवाल आपके सामने दिख रहा होगा, सवाल है 2 tan inverse 1/3। हाँ, कुछ बच्चे का ये भी कमेंट था कि सर मार्कर में तनी इंक ज़्यादा डालिए, देख आप देख बुझा रहे हैं, आप बुझाना चाहिए, आप नहीं बुझा रहे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। 2 tan inverse 1/3 प्लस tan inverse 1/7, ठीक है, इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है, फटाफट से ऑप्शन को देखिए, धराक धराक क्वेश्चन बनाइए, जितना जल्दी से जल्दी हो सके क्वेश्चन बनाइए, 30 सेकंड का वक्त आपके पास है, धराक 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 क्वेश्चन बन जाना चाहिए आपसे, कोई एक्स्ट्रा कमेंट नहीं, और एकदम एकाग्रचित होकर पढ़िए, बगुले की तरह ध्यान लगाइए, बको ध्यानम काक चेष्टा स्वानिद्रम है, यहाँ वो नहीं है, यहाँ क्या है, यहाँ बगुला की तरह ध्यान नहीं है, यहाँ है ठूस भोजनम चाप निंद्रम, माने ठास का खाइए, चाप का सुतिए, कुंभकरण वाला नींद लीजिए, स्वान कुत्ता वाला नहीं, कुंभकरण वाला
ऐसे काम चलेगा नहीं, ऐसे नहीं काम चलेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। चलो बाबू देखो, यहाँ देखिए टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आपको मालूम है टेन में, क्योंकि यहाँ पर आगे में टेन है तो ही हो टेन चाहिए। इसका होता है टू एक्स, एक्स के जगह पर वन बाई थ्री बटा में वन माइनस एक्स स्क्वायर, यानी वन बाई थ्री के होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अब प्लस कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स वन बाई सेवन, ठीक है। इसका हो जाएगा आपका टेन इनवर्स कितना, दो बट्टा में तीन और नीचे वन माइनस एक बट्टा में नौ, प्लस कितना हो जाएगा टेन इनवर्स वन बाई सेवन। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, 21 में ही नहीं, सबसे पहले ये क्वेश्चन 2010 में पूछा था और फिर ये क्वेश्चन 2021 में पूछा है, ठीक है। यानी क्वेश्चन का रिपीटेशन भी होता है या फिर इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। चलिए देखिए, तो नौ एक आए, नौ में से एक घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आठ बटा नौ, तो हो जाएगा आपका टेन इनवर्स कितना, दो बट्टा तीन गुने नौ ऊपर जाएगा आठ नीचे आएगा, इसे ही कट गया तीन बार तो हो जाएगा छः, इसे ही कट गया चार बार नहीं, हाँ, तो इसका हो जाएगा आपका तीन बटा चार और प्लस हो जाएगा टेन इनवर्स एक बटा सात। देखिएगा यहाँ पर फाइनल निकल के आया आपका टेन इनवर्स तीन बटा चार और प्लस में है आपका टेन इनवर्स एक बटा सात, टेन इनवर्स एक बटा सात। आपको बताए हैं कि टेन यदि इनवर्स में रहेगा और ये दोनों मान अलग अलग रहेगा तो आपको करना क्या है, टेन इनवर्स क्या करना है, टेन इनवर्स नीचे वाला को ऊपर वाला से गुना और प्लस, नीचे वाला को ऊपर वाला से गुना, प्लस है तो प्लस रखेंगे तो कितना हो जाएगा चार इकाई चार। अब बट्टा में क्या करना है बाबू, तो पहले दोनों को गुना कर लीजिए, तो हो जाएगा तीन को एक से गुना करेंगे तीन और नीचे हो जाएगा सात चौके अट्ठाईस, ठीक है। ऊपर वाला को यहाँ नीचे घटा लेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका पच्चीस, नहीं हो जाएगा पच्चीस, अच्छा पच्चीस से पच्चीस कट गया एक बार तो ये हो गया आपका टेन इनवर्स वन। अब टेन में एक कितना का मान, तो पाई बाई फोर का मान यानी पैंतालीस डिग्री का मान। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, आपके ऑप्शन में दिया गया होगा, ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है, ठीक है। चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलेंगे, दूसरे सवाल की तरफ चलेंगे, जो क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, एक बार दूसरा क्वेश्चन आपको बनाना है और खुद से बनाना है, जल्दी से बनाइए और फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए सभी लोग, ठीक है। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, एक बार क्वेश्चन को देखिए, बनाने का प्रयास कीजिए और जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है उसके नीचे चार ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा, ठीक ना। हाँ, आज जितना मंगरुआ है, जितना बीमार है, ठीक है साहब, बीमारी जितना है, मंगरुआ मंगरुआ सब मंगरुआ को कह रहे हैं, सुनो ध्यान से, ठीक ना। हाँ हाँ, न तो गड़बड़ा जाएगा चिल्ला। चलिए देखिए, बनाइए जल्दी से क्वेश्चन। जिंदगी एक पहेली है या नहीं है। हाँ, जिंदगी एक पहेली है, बस जिसने इस पहेली को सुलझाया है उसने मंजिल को पाया है। आ जाओ ध्यान से देखो, इधर सवाल आपका है साइन इनवर्स साइन टू पाई बाई थ्री, ये तो बहुत ही साधारण सा सवाल है, साइन इनवर्स साइन टू पाई बट्टा थ्री, चेक करो साइन इनवर्स साइन टू पाई बट्टा थ्री, ठीक है। थोड़ा ब्राइटनेस कम करने की जरूरत है क्या, हमें लग रहा है, हमें लग रहा है कि थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करना चाहिए, अब ठीक है क्या, सॉरी ज़्यादा कम हो गया, अब ठीक है, नहीं अब दिख रहा है क्या हो रहा है ये। हाँ चलिए देखिए, तो साइन इनवर्स साइन टू पाई बाई थ्री, चेक कर लीजिए, यहां पर आपको बोले हैं कि साइन का जो सीमा होता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होता है, तो ओकरा से ज्यादा ना है हो, पहले इसको सीमा में लाइए, साइन इनवर्स कैसे हो जाएगा, साइन पाई माइनस पाई बाई थ्री, चेक करो पाई माइनस पाई बाई थ्री, क्रिया करके देखे ना टू पाई बाई थ्री आ रहा है। अब पाई बोले तो द्वितीय चतुर्थांश, उससे कम तो द्वितीय चतुर्थांश से कम तो कहाँ, द्वितीय में रहेगा ना, हाँ द्वितीय में साइन और कॉस को प्लस में रखना है तो ये प्लस में होगा, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री,
हाँ, अब साइन इनवर्स से साइन कट गया, अरे सीमा में आ गया ना, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच रहना चाहिए। अब मान लीजिए कि आप बुखार जान समझते हैं, यदि 105 डिग्री से ज़्यादा बुखार हो गया तो डॉक्टर दवाई नहीं देगा, कहेगा कि पहले बुखार को सीमा में लाइए नियंत्रण में। हाँ, 102 के आसपास आएगा तो दवाई देगा, 105 रहेगा तो पहले कहेगा नहा लीजिए आप, ताकि बुखारवा डाउन हो। हाँ, आना तो यदि मान लीजिए 105 में दे देगा वो सुइया और बढ़ जाएगा, गया ब्रेन में चढ़ गया बुखार, मर गया, वही बात है, सीमा में लाइए। साइन वर्सेस साइन कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना आपका, पाई बाय थ्री। राइट आंसर चेक कर लीजिएगा, पाई बाय थ्री चेक कर लीजिए, पाई बाय थ्री, ठीक है। हाँ, अगला सवाल जो दिख रहा है उसको बनाइए एक बार, साइन इनवर्स एक्स। अगला सवाल जो दिख रहा है उसको बनाइए फटाफट से, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, और चार ऑप्शन भी दिया गया है आपको, ऑप्शन के अनुसार ही आंसर निकालना है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का तो और कुछ भी लिख सकते हैं, बट ऑप्शन में देखिए कि क्या कह रहा है हमको निकालने के लिए, बस वही निकालना है जो ऑप्शन में कह रहा है आपको, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। साइन इनवर्स एक्स, अच्छा बटा वाला निकालना है ना, कोई बात नहीं, देखिए साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कोसेक, कोसेक इनवर्स वन बटा एक्स, कुल मिलाकर इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो कितना है, एक है। यदि इसको ठामे पलट दीजिए, यदि आप इसको ठामे पलट दीजिएगा तो यहाँ साइन का कोसेक बन जाएगा, कॉस का सेक बन जाएगा, टैन का कॉट बन जाएगा, कॉट का टैन बन जाएगा, सेक का कॉस बन जाएगा, कौशिक का साइन बन जाएगा, माने व्युत्कर्म वाला कहानी है। इसको पलट दीजिएगा माने व्युत्कर्म, तो व्युत्कर्म वाला क्रिया भी कर दीजिएगा, नहीं समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, और ये क्वेश्चन माने जितने भी क्वेश्चन आज हम आपके सामने लेकर आए हैं, ये टोटल क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में आपसे पूछे गए क्वेश्चन है, आप चेक कर लीजिएगा। आपके पास यदि क्वेश्चन होगा, आपके बड़े भैया या दीदी के पास क्वेश्चन होगा तो एक बार चेक कर लीजिएगा, टोटल क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बस आपको सिर्फ और सिर्फ टाइप का पता कराना है, क्वेश्चन तो आप जाकर बना ही दीजिएगा, रेसौ में से 50 को छोड़ना है ना, तो उस पर कॉन्फिडेंस रहेगा तब ना कि हमको 50 को कौन बनाना है, 50 को कौन छोड़ना है। और कॉन्फिडेंस तब बनेगा जब आप ऐसे ही टेस्ट सीरीज लगाइएगा, तो आपको क्वेश्चन पर पकड़ बन जाएगा और आपको मालूम चलेगा कि हमको कौन क्वेश्चन छोड़ना है और कौन क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। हाँ, 50 से क्वेश्चन बनाना है, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। चल बाबू देखो क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है फटाफट से बनाइए, क्वेश्चन जो दिख रहा है उसको फटाफट से बनाइए, बहुत साधारण क्वेश्चन है। कहता है साइन इनवर्स, सॉरी साइन साइन, और यहां पर आपका है सेक इनवर्स एक्स, और प्लस में है कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। सेक इनवर्स एक्स प्लस में क्या है, कोसेक इनवर्स एक्स। अच्छा, इसका मान कितना के बराबर होगा आपको मालूम है, यदि सेक इनवर्स में है कोसेक इनवर्स में है, दोनों का मान समान है तो पाई बाई टू के बराबर, यानी हो जाएगा साइन पाई बाई टू, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, एक के बराबर। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, एक के बराबर, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा, ठीक है बाबू। चलिए अब हम लोग मैट्रिक्स के क्वेश्चन को देखेंगे, और मैट्रिक्स में भी वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, यानी 2021 के बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, सिर्फ उसी क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, हाँ क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, एक बार क्वेश्चन को देखिए और बनाने का प्रयास कर लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन जो आपको ऊपर दिख रहा है एक बार देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। यहां पर पूछ रहा है मान क्या होगा, सवाल जो आपको दिया गया है पूछ रहा है कि उसका मान क्या होगा। अच्छा देखिए, जब आपको मान निकालने की बात करेगा ना, जब आपसे मान निकालने की बात करेगा कि इसका मान कितना के बराबर होगा, तो याद कीजिएगा डिटर्मिनांट को। हाँ, कहिएगा कि डिटर्मिनांट का मान, मान मतलब डिटर्मिनांट, जब मैट्रिक्स की क्वेश्चन है और उसमें मान निकालने की बात कर रहा है, तो याद कीजिएगा डिटर्मिनांट को, ठीक है बाबू। हाँ, आ जब डिटर्मिनांट को याद कीजिएगा तो सवाल बन जाएगा, नहीं। हाँ देखिएगा कैसे बनाना है, सवाल आपका है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका है साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स फिर कॉस एक्स, साइन एक्स फिर कॉस एक्स। अब बताइए कि इसका मान कितना के बराबर होगा, कैसे निकालेंगे, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, ठीक है, बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है। कॉस को कॉस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस
फिर गुना कीजिए, साइन को साइन से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, चेक कर लो तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना होगा वन, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना होगा वन, यानी इसका आंसर हो जाएगा एक के बराबर, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, फटाफट से बनाने का प्रयास कीजिए, जब तक हम क्वेश्चन मिटाएंगे तब तक आपको क्वेश्चन बना लेना है। ठीक है, जितना देर में हम यहां मिटाएंगे उतना ही देर में आपको क्वेश्चन बना लेना है, नहीं तो जब देखिएगा कि अच्छा सर जी इन्हें घूम गए, ताले लिख रे, हिलो हिलो लिख, हिलो हिलो करने से काम चलेगा है। चले देखिए, सवाल आपका है, ए का मान दिया गया है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इसके बाद क्या है साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है साइन एक्स कॉस एक्स। अब कहता है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर में क्या है बाबू, तब बराबर में है आई टू। अच्छा हाँ, आई टू का मतलब समझते होंगे आप लोग, आई टू का मतलब होता है दू गुने दू कोटि का तत्समक अभ्यू, और तत्समक अभ्यू का मतलब होता है वैसा अभ्यू जिसका मान एक के बराबर हो। ठीक है, चलिए तो कहता है कि अल्फा का मान क्या होगा, अच्छा इसमें अल्फा कहाँ है, हो अल्फा नहीं, यहाँ पर एक्स का मान होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ए तो आपका यही है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, फिर आपका हो जाएगा साइन एक्स और कॉस एक्स, चेक करो, अब प्लस हाँ ट्रांसपोज मतलब एक चाटी, कल भी बताया आपको ट्रांसपोर्ट मतलब सॉरी ट्रांसपोज ट्रांसपोर्ट नहीं ट्रांसपोज ट्रांसपोज मतलब एक चाटी कन्वोज के नीचा में, बस ट्रांसपोज, सूतल है उठकर बैठ जाएगा, देखिए ये सूतल है उठकर बैठ जाएगा, तो कितना हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, सूतल है तो उठकर बैठ जाएगा, तो कितना हो जाएगा साइन एक्स और यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स। अच्छा इसके बराबर में क्या है, तो आई टू, आई टू बोले तो दो गुने दो कोटि के तत्समक अभ्यू, वन जीरो जीरो वन, यही ना होता है दो गुने दो कोटि का तत्समक अभ्यू, यही ना होगा हो। हाँ देखिए ये माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स, यहाँ देखिए प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, एक्स और एक्स सॉरी कॉस एक्स को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा टू कॉस एक्स, नहीं आज जो यहाँ है वही यहाँ है तो यहाँ भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा टू कॉस एक्स, एक एक से काम बना लीजिए, टू कॉस एक्स बराबर वन, यानी कॉस एक्स बराबर हो जाएगा वन बाई टू। तो बताइए कि कॉस में एक बटा दो कितना का मान, कॉस में एक बटा दो कितना का मान, 60 डिग्री का मान, 60 डिग्री बोले तो पाई बाई थ्री का मान, 60 डिग्री बोले तो पाई बाई थ्री का मान, चेक कर लीजिएगा पाई बाई थ्री का मान, यानी आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं ना। हाँ सवाल आपका कहता है, यहाँ देखिए तीन गुने तीन कोटि के एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसमें सिर्फ वन 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 है, तो आपसे पूछता है कि 2a का मान कितना के बराबर होगा। ठीक है, आपसे पूछता है कि 2a का मान कितना के बराबर होगा, ध्यान से देखिएगा 2a का मान कितना के बराबर होगा, 2 यही पूछ रहा है, सॉरी पूछ रहा है ए स्क्वायर का मान कितना के बराबर होगा, ए स्क्वायर का मान कितना के बराबर होगा। चलिए कोई बात नहीं, ए स्क्वायर का मान कितना के बराबर होगा, सवाल आपका है, देखिए बन गया क्या सभी लोगों का, हम अभी तो सवाले लिख रहे हैं, तब तक बनाइए आप लोग, वन 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 वन, ठीक है किसी को दिक्कत है, चलिए जल्दी से देख लीजिए एक बार, किसी को दिक्कत है क्या, एक बार जल्दी से देख लीजिए सभी लोग, किसी को दिक्कत है नहीं ना, देख लीजिए चलिए। अब पूछ रहा है कि इसके ए स्क्वायर का मान कितना होगा, ध्यान दो बाबू ए स्क्वायर का मान कितना होगा, एकदम इत्मीनान से सवाल को समझिएगा, सवाल का सेटिंग है, सेटिंग हाँ सेटिंग बैठाने आता है ना, हम उस सेटिंग की बात नहीं कर रहे हैं जो सेटिंग आप लोग समझ रहे हैं, ठीक ना, मार्ग कन्वोज फोड़ देंगे वह सेटिंग पूछता है खाली। चलो देखो यहां ए स्क्वायर का मतलब क्या है कि इसको दो बार गुना करना है, नहीं ए गुने ए, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए गुने ए, लेकिन उतना निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा,
हम इसमें कुछ प्रेजेंट ऑफ माइंड सोचेंगे और तुरंत इस सवाल को बना देंगे। करना क्या है आपको कि जब भी आपके अवयव समान दिखे, अवयव जो है वो क्या हो, समान हो, माने एक जैसा हो, बराबर अवयव हो, ठीक है, किसी को दिक्कत है, अवयव यदि समान हो तो आपको क्या करना है, अवयव यदि समान हो तो क्या करेंगे, और तीन गुने तीन कोटि का होना चाहिए, कितना गुने कितना कोटि का, तीन गुने तीन कोटि का होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको लिखना है तीन, हमेशा लिखना है तीन, और जो अवयव रहेगा उस अवयव से गुना करके इधर ए लिख देना है, तो कितना हो जाएगा इसका, थ्री ए। यदि मान लीजिए कि यहां पर दो 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 रहता, इसका हो जाता तीन गुने दो, क्योंकि दो 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 है ना, तो तीन गुने दो और यहां पर ए, यानी कितना हो जाता, छ ए के बराबर। यदि मान लीजिए कि यहां पर तीन 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 रहता तो लिखते तीन गुने तीन ए, यानी तीन तियाई नौ ए के बराबर हो जाता। मैंने बहुत ही साधारण सा कार्य करना है आपको, हमेशा तीन लिखना है, और जो अवयव बार बार लगातार लिखा गया है उस अवयव से गुना कर देना है, बगल में ए लिख देना है, ठीक है। ऐसा कब करना है, जब इसके अंदर में सेम टू सेम अवयव हो और ए स्क्वायर का मान निकालना हो, किसका मान निकालना हो, ए और स्क्वायर का मान निकालना हो, ठीक है बाबू, आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल आपका क्या कहता है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एक बार क्वेश्चन को देखिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा फटाफट से। क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, अब डिटरमिनेंट का क्वेश्चन शायद आपको दिखेगा, नहीं, एक क्वेश्चन और आपको मैट्रिक्स का दिख रहा होगा, इसके बाद डिटरमिनेंट आने वाला है, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है ऊपर, जब तक मिटाएंगे तब तक आपको बना लेना है, नहीं तो मिटाने के बाद तुरंत फिर क्वेश्चन लिखेंगे, तुरंत हम बनाएंगे, नहीं देखिएगा, सॉरी तीन क्वेश्चन तो हो ही गया, अब हम लोग डिटरमिनेंट के क्वेश्चन को देख रहे होंगे ना, हाँ अब हम लोग डिटरमिनेंट के क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिएगा सभी लोग फटाफट से, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपसे 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, 10 2 35 7, सिंपल है, देख लीजिएगा, देख लीजिएगा कितना हो जाएगा, 70 माइनस 70 यानी 0 के बराबर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। और दूसरा सवाल आपका है 1 1 1, इसके बाद क्या है, तो ए बी सी, और यहां पर क्या है आपका बी प्लस सी, इसके बाद क्या है, तो इसके बाद है आपका सी प्लस ए, इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपका ए प्लस बी, हाँ इसका मान आपसे पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, इसका मान आपसे पूछा जा रहा है, कितना टाइम हो गया, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ध्यान से देखिएगा। अब क्या कीजिए कि इसको आप इसमें जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, और सब में से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लीजिए, तो जैसे ही कॉमन लेंगे तो कितना होगा 1 1 1, ये भी 1 1 1 है, और यदि किसी डिटरमिनांट के कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ के सभी संगतव्य समान हो जाए तो डिटरमिनांट का मान कितना के बराबर होता है, 0 के बराबर, इसलिए इसका मान कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। एक और सवाल है, एक देखिएगा, एक दो तीन दो चार छ, और फिर क्या है, एक दो, अरे ये तो बहुत सिंपल है, इसका ही दुगुना है, इसका ही दुगुना है, इसका ही दुगुना है ना, और यदि किसी डिटरमिनेंट के कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ के संगत अवयव समानुपाती हो जाए तो डिटरमिनेंट का मान 0 के बराबर होता है, नहीं देख लीजिएगा। अब हम लोग डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को देखेंगे और यहां से आपको मजा आने वाला है डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में, ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा डिफरेंशिएशन का, एक बार जल्दी से बनाने का प्रयास कर लीजिए सभी लोग फटाफट से, तब तक इसको साफ कर लेते हैं, मिटा देते हैं, जब तक आप क्वेश्चन बनाइए तब तक इसको मिटा लेते हैं, फटाफट से क्वेश्चन बनाइए सभी लोग क्वेश्चन बनाइए, एक्स्ट्रा कमेंट नहीं करेगा कोई, एक्स्ट्रा अलग की बातें कुछ नहीं, हाँ अलग की बात करने के लिए फिर आपको हम एक दिन का समय देंगे, ठीक है, वो कौन सा समय होगा, तो वो समय होगा अब अगले संडे को आपके लिए एक हम क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है, Q&A वाला जो आपका वीडियो आएगा, जैसे मान लीजिए कि आपसे जो है पूछेंगे कि आप क्या क्या जानना चाह रहे हैं, क्या क्या आपकी मतलब कुछ आपके अंदर जो चल रहा है
वो आप एक वीडियो में छोड़ दीजिएगा, वहाँ से उसको कमेंट को उठाएंगे और आप लोग को जवाब दे देंगे, ठीक है। मन शांत हो जाएगा, दिमाग हरियर हो जाएगा। कहता है कि डी साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 3x माइनस 4xq, ठीक है, बटा में क्या हो जाएगा dx। चेक करो, साइन इनवर्स 3x माइनस 4xq बटा में dx। सबसे पहले तो आप ये हमें बताइए, ये तो एक फॉर्मूला है, हाँ, जो हम आपको पिछले वीडियो में भी बताए हैं कि ये किसका फॉर्मूला है। तो आप कहिएगा ये जो है साइन 3x का फॉर्मूला है, तो हो जाएगा डी साइन 3 sin x, 3 sin inverse x, अब बटा में क्या हो जाएगा dx, हाँ, तीन को बाहर कर देंगे, कॉन्स्टेंट है, साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/√1 − x2। चेक कर लीजिएगा 1/√1 − x2, हाँ, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, देख लीजिए, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, रूट लग गया है गुणांक में तो घबराना नहीं है, उससे आपको थोड़ा सा भी नहीं घबराना है। रूट लग गया इसका क्या मतलब है, है? कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसानी से बना लीजिएगा आप, थोड़ा सा भी नहीं घबराना है और आसानी से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। सवाल है कि डी साइन √x, रूट एक्स को देख के घबराएगा, है, रूट एक्स को देख के घबराने वाला है, नहीं घबराएगा, पहले फंक्शन को पहचानिए। देखिए, एगो साइन है, एगो रूट है, एगो एक्स है, नहीं, या फिर कह सकते हैं कि एगो साइन है, एगो रूट एक्स है, रूट एक्स को एक एगो फंक्शन मान लीजिए आप। तो साइन का क्या होता है, कॉस, कोणांक में जो है ज्यों कहते हो, रूट एक्स का क्या होता है, तो 1/√√x। चेक कर लो, कॉस रूट एक्स आ बटा में हो जाएगा आपका 2√x, कॉस रूट एक्स बटा में क्या हो जाएगा 2√x, ठीक है। हाँ, अगले सवाल को देखेंगे, यहां पर कह रहा है कि 2 tan inverse x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, 2 tan inverse x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बताइए 2 tan inverse x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अब यह सवाल बताने लायक है, हैं, हमारे से पूछिएगा साहब, देखिए था, दो कांस्टेंट है तो बाहर छोड़ दीजिए और tan inverse x का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो tan inverse x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 + x2। हम आपको कई बार इस बात का चर्चा कर चुके हैं कि आपके जुबान पर हमेशा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी और वेक्टर, इन सब का फॉर्मूला आपके जुबान पर हमेशा होना चाहिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगा, या पहले तो सॉल्व करने में भी परेशानी नहीं होगा और आपको समझ में भी बहुत बेहतर तरीके से आएगा, ठीक है। हाँ, आप सभी के जुबान पर एकदम फॉर्मूला रहना चाहिए हमेशा, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो होना ही चाहिए आपके जुबान पर। चलो रे बाबू, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आपका है e^(x^3), चेक करो, डी e^(x^3), यहां पर देखिए एगो ई है, एगो x^3 है, नहीं, यहां पर आपका दो फंक्शन है, तो आपको मालूम है कि e^(x) का जो डिफरेंशिएशन होता है ज्यों कहते हो, तो ज्यों कहते हो e^(x^3), ज्यों कहते हो, अच्छा x^3 का क्या होगा, तो 3x2, चेक करो, बन गया 3x2 × e^(x^3, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, नहीं, थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगा, आप एकदम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। आइए कुछ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को देखेंगे, हाँ, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में आपसे पूछे गए हैं, बस उन्हीं क्वेश्चन को आज हम देखने वाले हैं, देखिएगा, बहुत ही अच्छा और अलग टाइप का क्वेश्चन आपको दिखेगा आज का। सवाल आपको दिख रहा है, एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिए सभी लोग, हाँ, एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिए, समझिए क्वेश्चन को कि क्वेश्चन का टाइप किस प्रकार का हो रहा है, कैसा कैसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, हाँ, सीधे आप क्वेश्चन को देखिए नहीं, उसको जांचिए, परखिए कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके बोर्ड एग्जाम में और आप तैयारी किस टाइप का कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, हाँ, समझ लीजिएगा। मान लीजिए कि सीमा पर अब लड़ाई छिड़ने वाला है, हैं, और वहाँ पिस्टने से काम चल जाएगा, AK-47 लेने की क्या ज़रूरत है, हैं, पिस्टने से उड़ा देंगे गर्दा सबको, कि हो जाएगा। अब मान लीजिए कि जहाँ एगो आलू बम फेंक देने से सब डर जाएगा, आलू बम फेंक देंगे जानवर डर जाएगा, तो वहाँ पर बरका फटाका मुटका छोड़ने की क्या ज़रूरत है, आलू बम से काम चला दीजिए, कि बस जब जैसा तब तैसा, ध्यान रखिएगा। चलिए, सवाल आपका है,
अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा, और इसका है आपका एक्स ना, फाई है ना, एक्स थीटा है। चलिए अब प्लस क्या है, बीटा अल्फा, ऐसा ही कुछ है ना, हो और एक्स, ठीक है। अब पूछ रहा है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिए दोनों सेम है, जो इसका निम्न सीमा है वो इसका उच्च सीमा है, और जो इसका उच्च सीमा है वो इसका निम्न सीमा है। नहीं, अब मान लीजिए कि यदि इसका डिफरेंशिएशन करके हमको ये आ गया एफ एक्स मान लीजिए, और इसका भी डिफरेंशिएशन तो सॉरी इंटीग्रेशन तो उतना ही होगा एफ एक्स, और जब इसमें हम बी रखेंगे तो क्या होगा, पहले बी रखना होगा फिर अल्फा रखना होगा, तो क्या हो जाएगा एफ बी माइनस बीटा है तो बीटा, और इसके बाद माइनस हो जाएगा क्या एफ अल्फा, फिर यहाँ प्लस का चिन्ह है अब इसमें रखिए, तो पहले हो जाएगा एफ अल्फा माइनस एफ बीटा, चेक कर लीजिए है। अब क्या आएगा, तो ई से तो ई कट जाएगा, और ई से ई कट जाएगा तो कभी बचेगा, जीरो बचेगा, नहीं बचेगा। अरे ई आपको मान लीजिए कि यहाँ पर जो फंक्शन है उसका डिफरेंस इंटीग्रेशन ये आ गया, तो पहले उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, फिर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, सब एक कट गया, बच गया कितना जीरो, तो इसका मान कितना के बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। चलिए अगला सवाल, यहां पर देखिए सीमा का मान आपको दिया गया है जीरो से एक एक्स डी एक्स, ले ये तो बहुत सिंपल है, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स के जगह पर एक रखेंगे तो कितना हो जाएगा एक के स्क्वायर बटा दो, जीरो रखने से कोई फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि जीरो रखने से जीरो ही होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, अगला जो सवाल आपको दिख रहा है उसको देखिए एक बार, बनाने का प्रयास कर लीजिए जल्दी से, तब तक हम मिटा रहे हैं इसको, आप लोग कब तक हमारे बोर्ड घसबाइएगा समझ में नहीं आ रहा है, जल्दी से जल्दी हमारा डिजिटल बोर्ड दबा देते आप लोग हैं, मजा आ जाता, एकदम मिजाज में पढ़ाते आप लोग को, बोर्ड घसना नहीं पड़ता, समय कम लगता और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को हम बना कर देते। लेकिन कहाँ सुन रहे हैं आप लोग, तनि सुनिए हो, हमरो बात पर ध्यान दीजिए हैं, क्या है देखिए, तब कहता है लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन को आपको इंटीग्रेशन है पार्ट के आधार पर बनाना है, यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना होगा एक, आप आईलेट के अनुसार देख लीजिए आई एल ए टी ई अलजेब्रा लॉग लॉग, उसके बाद देखिए तो करना क्या है, आईलेट इंटीग्रेशन वाले पार्ट कैसे लगाते हैं, तो पहला को बाहर रखते हैं, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन बॉडी ब्रैकेट दूसरा का इंटीग्रेशन, तो एक का इंटीग्रेशन और पहला का डिफरेंशिएशन, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा वन बटा में एक्स इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। लॉग एक्स ज्यों का त्यों, एक का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स माइनस एक का इंटीग्रेशन एक्स, दो बार इंटीग्रेशन है तो एक तो इंटीग्रेशन एक्स हो गया, यहाँ है वन बटा एक्स, एक्स एक्स कट जाएगा तो फिर एक बचेगा, फिर एक का इंटीग्रेशन एक्स, यानी हो जाएगा लॉग एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स अब प्लस क्या हो जाएगा सी, लॉग एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस सी, लॉग एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक बटा में एक्स माइनस वन, एक बटा में एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक बट्टा में एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, इतना आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आप लोग फिजूल में घबरा रहे हैं, तनियको नहीं घबराइए, एक बट्टा एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो लॉग एक्स, एक्स के जगह पर क्या है तो एक्स माइनस वन है, हैं अब प्लस क्या हो जाएगा सी, देख लीजिए हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे, इधर आ जाइए, आप वेक्टर के कुछ क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में आपसे पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वेक्टर वाला, ठीक है बाबू। देखिए क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, एक बार देख लीजिए सभी लोग, बनाने का प्रयास कीजिए, और अभी जस्ट आपको वेक्टर पढ़ाए ही हैं तो आप लोग तो क्वेश्चन को आसानी से बना ही दीजिएगा, सभी क्वेश्चन को बना दीजिएगा आसानी से, अभी तुरंत आप लोग को वेक्टर पढ़ाए हैं, तुरंत तुरंत मतलब क्या दो तीन दिन पहले नहीं, हाँ, और आप लोग तो आसानी से बना दीजिएगा क्वेश्चन को, बोर्ड नहीं मिटा रहा है, माथा दुखा रहा है हमारा, बताइए मिटा जो जल्दी, अरे बाप रे बाप, माया नहीं लग रहा है तुम लोग, बड़े बउआ इतना जोर जोर से सर जी बोर्ड मिटा रहे हैं तैयो नहीं मिटा रहा है, आए दया दृष्टि करोड़े तनि तुम लोग,
मिटाइए नहीं रहा है, क्या करे, बड़ा मेहनत करना है। चलिए खैर कोई बात नहीं है। आई वेक्टर डॉट जे क्रॉस के, अच्छा तो जे क्रॉस के बराबर क्या होगा, आई यहां आई और डॉट आई, और डॉट रहेगा तो कॉस को याद कीजिएगा, डॉट रहेगा तो कॉस को याद करना है नहीं। और कॉस जीरो डिग्री का मान कितना होता है, वन, यानी इसका मान एक के बराबर होगा, ठीक है। अगला है ए वेक्टर लंब है बी वेक्टर पर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए सभी लोग फटाफट से। यदि ए वेक्टर बी वेक्टर पर लंब है, ए वेक्टर बी वेक्टर पर लंब है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान क्या होगा, जल्दी से, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान जीरो के बराबर होगा रे, नहीं होगा। हाँ, फिर आपका अगला सवाल है के वेक्टर क्रॉस आई अक्रॉस जे, आई क्रॉस जे है ना, है हाँ, आई क्रॉस जे। देखिए यहां पर के वेक्टर आई क्रॉस जे बराबर क्या होता है के, आ के क्रॉस के है तो क्रॉस है तो साइन को याद कीजिए, यानी साइन जीरो डिग्री का मान क्या होता है, जीरो के बराबर लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर, ठीक है। अगला एक और सवाल है, यहां है आपका जे डॉट के के, और उसके बाद क्या है, क्रॉस आई, के क्रॉस आई, अच्छा देखिए के क्रॉस आई चेक कीजिए, यहां पर रोटेशन चेक कर लीजिए, आई जे के, तो के क्रॉस आई, के क्रॉस आई ठीक है, रोटेशन नहीं, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई बराबर क्या हो जाएगा, जे, तो यहां आ गया जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर, डॉट है कॉस को याद कीजिए, आ कॉस जीरो डिग्री का मान बताइए, तो कॉस जीरो डिग्री का मान क्या होता है, एक के बराबर, कॉस जीरो डिग्री का मान क्या होता है, एक के बराबर, यानी इसका आंसर हो जाएगा एक के बराबर, ठीक है। अगला सवाल कहता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यहां देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या होगा, सुन लीजिए, यदि डॉट प्रोडक्ट रहता है तो इसका यदि आप बदल देते हैं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर तो इसमें माइनस लग जाएगा, लेकिन यदि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर रहे तो इसको आप चेंज भी कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर होगा, लेकिन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर होगा। दैट मीन्स इति श्री रेवा खंडे श्री सप्तम अध्याय खत्म, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। नहीं, इस तरीके से आपका ये जो है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो टेस्ट सीरीज चल रहा था, हमने आज 20 क्वेश्चन को देखा, उससे ज्यादा ही कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन हो गया है, ठीक है, सामने क्वेश्चन आ रहा था हम उसको फटाफट बनाते हुए जा रहे थे। तो यदि आप इसी तरीके से टेस्ट सीरीज लगाएंगे हर रोज, ठीक है, और अपने आसपास के बच्चों को भी इस बात की जानकारी दीजिए कि हर रोज शाम में 7 बजे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक टेस्ट सीरीज चल रहा है, इससे आपको क्या होगा, क्वेश्चन के ऊपर पकड़ बन जाएगा, कॉन्फिडेंस से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, किसको बनाना है किसको छोड़ना है आप आसानी से समझ लीजिएगा, ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर मार्क्स कर सकते हैं, पूरी गारंटी है कि आप 50 में 50 बना सकते हैं। ये जो आपका टेस्ट सीरीज चल रहा है इसका नाम है मिशन 50-50, ठीक है, मिशन 50-50, यानी मिशन है कि 50 में 50 आपको सही बनाना है तो बनाना है बोर्ड एग्जाम में जाकर, ठीक है दोस्तों। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, बेहतर लगा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इन्हें है लाल का बटन एक बार दबाना है, एक बार लाल का बटन को इन्हें एक बार दबाना है, घंटी आएगा उसको भी एक बार दबाना है, सबसे ऊपर में ऑल रहेगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा, जब भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, ठीक है बाबू, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।